गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद की बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए 216 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिजली व्यवस्था में होगा आमूलचूल परिवर्तन। लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगी निजात, सुचारू रूप से बिजली होगी उपलब्ध। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन प्रक्रिया के तीसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया रही जारी। 2 प्रत्याशियों ने लिया पर्चा। अब तक 16 प्रत्याशी ले चुके हैं नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जनपद के विद्युत परियोजनाओं का ऑनलाइन किया लोकार्पण व शिलान्यास। सदर सांसद रवि किशन से किया वर्चुअल संवाद। कहा, जनपद में हो सकेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। टॉप 10 अपराधी प्रदीप यादव गैंग के 4 वाहन चोर सदस्यों को झंगा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से 4 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की 4 मोटरसाइकिल की बरामद भेजा जेल। शासन के द्वारा मंडी शुल्क के 1% की कमी से मंडियों में आवक की बढ़ेगी मात्रा। मंडी सचिव ने कहा, मंडी शुल्क कम हो जाने से किसानों को मिलेगा लाभ। शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक के द्वारा यातायात माह के तहत शहर में लगातार चलाया जा रहा है अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की गाड़ियों के काटे गए चालान, दी गई चेतावनी। खजनी विधायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक। SC ST एक्ट के तहत हुई कार्रवाई पर की गई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पाकिस्तान में स्थित करतार साहब गुरुद्वारा का प्रबंधन सिखों से छीनकर सेना और ISI को दिए जाने से नाराज हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। गुरुद्वारा का प्रबंधन दोबारा सिख समाज को देने की मांग। गोरखपुर में शनिवार को मिले 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,277। अब तक 314 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 512। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई मासिक बैठक। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक विधान परिषद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए बनाई गई रणनीति। वन मंत्री की अध्यक्षता में रोटरी क्लब के सदस्यों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, किए गए सम्मानित। और विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले पदाधिकारियों, कर्मचारियों और संविदा कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन, अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग।